साउथ अफ्रीका और इंडिया का जो आज मैच है, शोएब भाई यहां पर जो हम अभी बात कर रहे थे कि टीम इंडिया की स्ट्रेंथ आखिर है क्या, क्या साउथ अफ्रीका को पहले बैटिंग करानी चाहिए या पहले खुद बैटिंग करनी चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि सीरीज इंडिया जीतेगा, मगर एक याद है, साउथ अफ्रीका भी जीतेगा। साउथ अफ्रीका का साउथ अफ्रीका में घंटा बजाना वो भूलेंगे नहीं। उनको पता है कि हम इंडिया से वर्ल्ड कप में 83 पे ऑल आउट हुए हैं, हम अपने घर में इंडिया से 96 पे ऑल आउट हो गए, हमारा घंटा बजा था। उनको ये चीज तो भाई जान अंदर उनको डंडा तो देती है ना कि हमारी बैटिंग लाइन अब इतनी जबरदस्त है और हम इंडिया के हाथों जो हमेशा जलील हो जाते हैं। मेरा ख्याल है इंडिया वर्ल्ड क्लास टीम है, जिस तरह वो खेलती है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ही हराया है, दुनिया की जितनी भी टीम है उन्होंने उन्हीं के मुल्क में ही हराया हुआ है। और कल का सीरीज आप देख लीजिए, T20 उन्होंने वो टीम खिलाया जो बड़े प्लेयर इनके साथ ही नहीं कहता कि भाई पाकिस्तान की टीम बहुत बुरी है, पाकिस्तान की टीम ठीक है, लेकिन हम उसको इंडिया के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। वी कैन कंपेयर विद जिम्बाब्वे, कीनिया, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। टफ देखने को मिलेगा, बट साउथ अफ्रीका बेशक बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, ये सब कुछ है, लेकिन इंडिया इस वक्त बहुत फॉर्म में है और आई थिंक सो कि इंडिया गोइंग। लेकिन टीम में से कोई भी आप उठाने वो कैप्टन है और कैप्टनसी निभाना जानता है, तो केएल राहुल की कैप्टनसी में इंशाल्लाह टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी। देख लेना आप, जो वर्ल्ड कप में अशर किया इनका सेम वही होना है, 80-90 पे ऑल टीम आउट, तो यही सीन होना है इनका साउथ अफ्रीका का। और इनके सारे यंग प्लेयर है आप देख लें, सबको देख लें आप, सारे यंग 3-3, 4-4 से ज्यादा इनका एक्सपीरियंस किसी का। इंडिया का अच्छा रिकॉर्ड नहीं है अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका T20 के अंदर इंडिया से हार जाता होता था लेकिन टेस्ट और ओडीआई में नहीं हारता। मुझे जहां तक याद पड़ रहा है पिछली जो सीरीज गुजरी थी उसमें 3-0 से इंडिया हारा था अफ्रीका के अंदर, जिसके अंदर विराट कोहली भी शामिल थे, तो वो बदला भी लेना है इंडिया को। तो फिर वही है ना यार, जिसको इंडिया ने 83 पे ऑल आउट किया था। बिल्कुल सर, 83 पे वर्ल्ड कप में कर दिया, 95 पे कर दिया, अब ओडीआई की बारी दोबारा है, ओडीआई में दोबारा इंडिया को लगता है वही वर्ल्ड कप वाली जो है हिस्ट्री रिपीट होने वाली है। वर्ल्ड कप में वो भी तो ओडीआई था ना, उसमें भी तो उन्होंने 83 पे आउट कर दिया। अब चाहे अपना ग्राउंड हो, चाहे वो किसी और, चाहे वेस्ट इंडीज में हो, चाहे न्यूजीलैंड में हो या अफ्रीका में हो या फिर वो पाकिस्तान में हो, इंडिया वाले अनबीटेबल हैं, कहीं भी हो, किसी भी टीम के अगेंस्ट हो। इंडिया की टीम अब ऐसी टीमें उनकी बन चुकी हैं, अगर वो आईपीएल से टीमें बना के खेलने के लिए डिफरेंट कंट्रीज में 4-4 टीमें भी एट अ टाइम बना के भेजें ना, तो वो 4 की 4 टीमें चारों कंट्रीज को बीट करके आएंगी। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों के ODI सीरीज का आज पहला मुकाबला दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं आपको भी बता दें कि जिस तरह से भारतीय टीम की पिछले मैच में यंग टीम थी, उसी तरह इस ODI मैच में भी भारतीय टीम की लगभग यंग ही टीम है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से भारतीय टीम ने पिछले T20 में प्रदर्शन दिखाया, पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों और बल्लेबाजों के ऊपर पूरी तरीके से डोमिनेट करती हुई नजर आई। वहीं एक बार फिर से भारतीय टीम को दिखाना होगा और भारतीय टीम को एक बार फिर से साबित करना होगा कि जिस तरह से उन्हें वर्ल्ड कप में 83 रन पे ऑल आउट किया था, उसी तरह से एक बार फिर से इन साउथ अफ्रीका टीम को हराकर फिर से दोहराना होगा। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की ODI का फर्स्ट मैच होने जा रहा है, अगर उसमें केएल राहुल जो कि लीड करेंगे और उसमें अगर बात करें चंद ही पुराने हैं, बाकी सारे न्यू हैं, क्या कहेंगे सर इंडिया न्यू से न्यू लेगा? आप बताएं कल के मैच जो होने जा रहा है ODI का फर्स्ट मैच, आपको क्या लगता है कि न्यू टीम और उसमें कुलदीप यादव, केएल राहुल, उसके बाद रिंकू सिंह और तिलक वर्मा, क्या इस न्यू टीम में लेके जाने केएल राहुल? इंडिया का हर एक प्लेयर जो है वो कैप्टन है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो बड़े बड़े कैप्टन के साथ वो खेल चुके हैं। आपने रिसेंटली देखो सूर्य कुमार यादव ने भी कैप्टनसी की, जडेजा उनका कैप्टन रह चुका है, उसके अलावा रोहित शर्मा वन ऑफ द बेस्ट जिसकी कैप्टनसी में इन्होंने वर्ल्ड कप खेला है, तो इनकी टीम में से कोई भी आप उठाने वो कैप्टन है और कैप्टनसी निभाना जानता है, तो केएल राहुल की कैप्टनसी में इंशाल्लाह टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी साउथ अफ्रीका। एक्सपेक्टेड जिस तरह से सूर्य कुमार यादव ने कप्तानी की है, सेंचुरी की, कल एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उन्होंने सेंचुरी करके, केएल राहुल से भी एक्सपेक्टेड ऐसा ही है, इनकी पार्टनरशिप्स भी बड़ी ज्यादा नजर आती है, अच्छी नजर आती है, डेफिनेटली जब वो खेलते तो पता चलता है कमाल का बैट्समैन खेल रहा है। देखें केएल राहुल ने जब से इंजरी से वो उन्होंने बैक किया उसके बाद वो लगातार परफॉर्म ही कर रहे हैं, ठीक है, नो डाउट केएल राहुल इंजरी के बाद जो भी प्लेयर आते हैं वो थोड़ा सा उसका अप एंड डाउन लगा रहता है, लेकिन जो केएल राहुल उन्होंने फॉर्म पकड़ी हुई है और जब कैप्टनसी की जिम्मेदारी होगी तो फिर तो डेफिनेटली वो परफॉर्म करेंगे। ये तो इंडियन जितने भी कैप्टन गुजरे हैं वो खुद पहले परफॉर्म करते हैं, बाद में टीम को वो जो है वो परफॉर्मेंस की तरफ देखते हैं, खुद जब तक परफॉर्म नहीं करेंगे टीम भी परफॉर्म नहीं करते, केएल राहुल जो है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल अच्छे मोटिवेटर नजर आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो उनको पता होता है कि अगर कैप्टन डीमोटिवेट होगा, अगर कैप्टन परफॉर्म नहीं करेगा तो टीम तो डेफिनेटली फिर परफॉर्म नहीं करेगी। केएल राहुल एक अच्छे प्लेयर है और वो IPL में भी कैप्टन रहे हैं, किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से वो बेहतर प्लेयर है, वो टीम को आगे लेकर जा सकते हैं किसी भी कंडीशन में, उसका सबसे बड़ा चीज़ यह कि उसका एक्सपीरियंस है, उसके पास शॉट्स है, और दूसरी बात यह उन्होंने जैसे टीम खिलाया है, तिलक वर्मा है, संजू सैमसन है, श्रेयस अय्यर है, कुछ ऐसे चेहरे जिनके ऊपर तंकीद हो रही थी कि भाई इन प्लेयर्स को नहीं खिलाया जा रहा, इनके मौका नहीं दिया जा रहा है, हालांकि उनके पास टीम अच्छी है तो इसलिए थोड़ा मुश्किल से उन्हें जगह मिलती है। ऐसे संजू सैमसन को उन्होंने खिलाया हुआ है, संजू सैमसन एक अच्छे प्लेयर है, IPL में उसके काफ़ी रन है, तो ये एक पॉजिटिव साइन मुझे। गायकवाड़ भी है, गायकवाड़ भी अच्छा
अच्छा परफॉर्म करके गया सर, एक न्यू टीम लेके जाने केएल राहुल और साउथ अफ्रीका के साथ खेलने जा रहे हैं, आप मुझे बताएं आपको क्या लगता है कितना टफ टाइम मिल जाएगा साउथ अफ्रीका को? सर ऐसे ही आप देखो ना, वो अपने नया से नए टैलेंट को जगह देते हैं, ठीक है, वो एक बार चेक कर लेते हैं, आप देखो उसको टाइम देंगे, उसको मौका देंगे, अगर वो दूसरों से बेहतर चीजें कर सकता है, अगर वो उस चीज को स्टैंड अप लेता है और चीजें बेहतर कर सकता है तो उसको जरूर वो आगे प्रमोट करेंगे। लाजमी सी बात है, बात करने का मकसद है कि यार आपको चेक करने में कितना दिन लगेगा, एक आधा मैच में भी आप किसी को चेक कर सकते हो, जैसे अभी पीछे शो डला शहीन को कैप्टन बना रहे हैं, फलां को बना रहे हैं, फलां को भी, यार एक को बना लो एक दिन, कितने नुकसान हो जाएगा आपको। बात करने का मकसद है कि अब देखो इस टाइम इंडिया में बिल्कुल यंग लड़के थे ये जो अभी मैच हुए हैं, कोई पुराना आपको मुझे प्लेयर बता दें यंग लड़के, उन्होंने हरा के दिखाया ना यार, इट्स बात करने का मकसद है कि यार अगर आप खड़े हो जाओगे तो कुछ ना कुछ हो। ओडीआई में पहला मैच होने, आप मुझे बताएं कौन जीतेगा, किसको जीतता है? डेफिनेटली इंडिया क्यों, उसमें इस बार तो इस बार सूर्य कुमार यादव नहीं, जयसपाल भी नहीं है, अगर कोई भी नहीं है, इंडिया को अच्छे से पता है कि इस टाइम इंडिया एक स्ट्रॉन्ग टीम है। कुमार यादव की बात करें कैसे 4-1 से उन्होंने हराया, अब जाके साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने लोगों के मुंह बंद कर दिए जो कह रहे थे कि होम सीरीज के सिर्फ ये खेल सकते हैं, अब केएल राहुल की बारी है। ऐसे ही है यार, एक तो उनका ये है यार, उनका जो भी कैप्टन होता है वो जिम्मेदारी लेता है, खुद पहले वो खुद परफॉर्म करता है, उसके बाद टीम को कहता है परफॉर्म, ये बहुत बड़ी चीज है, आपका कैप्टन परफॉर्म करो, आपका लीडर परफॉर्म करो तो टीम को जो है वो कॉन्फिडेंस मिल जाए। दूसरी बात रही कि केएल राहुल जिस तरह उन्होंने इंजरी के बाद मैं कहता हूं मोमेंटम पकड़ा है, वो तो भाई बंदा हाथ में नहीं आ रहा ना, हर मैच में वो परफॉर्म कर रहा है, तो साउथ अफ्रीका की नो डाउट टीम काफी अच्छी है, उनके पास एडम मार्करम है, उसके बाद वेंडर डूसन है, बिल्कुल आसन है, टीम काफी बढ़िया है, लेकिन इंडिया के पास जो है वो एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं 3-4 और उसके साथ साथ जो है उन्होंने जूनियर प्लेयर मोस्ट बी प्लेयर्स ही खेल रहे हैं ओडीआई में भी, ये बहुत बड़ा बड़े दिल की बात होती है कि मतलब जूनियर को मौका दे रहे होते हैं इतनी बड़ी सीरीज के खिलाफ साउथ अफ्रीका, जिसके पास प्रॉपर एक जो है उनकी टीम वर्ल्ड कप की टीम है उनके पास, और वहां पे आप आधी टीम जूनियर भेजे हैं, तो ये एक मैं समझता हूं उनकी टीम मैनेजमेंट को अप्रिशिएट करने वाली बात है। दूसरी रही बात, साउथ अफ्रीका वही है ना यार जिसको इंडिया ने 83 पे ऑल आउट किया था, बिल्कुल 83 पे वर्ल्ड कप में कर दिया, घर जाकर उन्होंने 95 पे कर दिया, अब ओडीआई की बारी दोबारा है कि भाई ओडीआई में दोबारा इंडिया क्या लगता है कि वही वर्ल्ड कप वाली जो है हिस्ट्री रिपीट होने वाली है, वर्ल्ड कप में वो भी तो ओडीआई था ना, उसमें भी तो उन्होंने 83 पे आउट कर दिया, तो मैं तो मुझे लग रहा है बल्कि कि ये जो है वो फिर से हिस्ट्री रिपीट होने वाली है केएल राहुल की कैप्टनसी में, घर में जाकर और उससे ज्यादा बेसी होगी क्योंकि बी टीम आके हराएगी ना, बिल्कुल ये और घर में घुस के मारना ये आपको पता है और ज्यादा जो है वो साउथ अफ्रीका के लिए शेमफुल होने वाला है, ठीक है, इंडिया तो बहुत बनता जा रहा है, क्रिकेट का किसी को नजदीक नहीं पटकने दे रहा, हर जगह पे जिस फील्ड में भी देखना, वुमेन क्रिकेट देखना, फुटबॉल देखना, अगर इंडिया में केएल राहुल हो, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो या सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या भी हो, तो सारे कैप्टन एक से बढ़कर एक है, मैं समझता हूं कि एक अच्छा कैप्टन होने जा रहे हैं वो। बिल्कुल आपकी बात है कि उनके पास इतने कैप्टन हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं किसको याद रखना है, किसको छोड़ना है, किसके बारे में बात करनी है, इस टाइप की हमें कंफ्यूजन रहती है। केएल राहुल डेफिनेटली हमें पहले भी कप्तानी करते हुए नजर आए हैं, जो वर्ल्ड कप से पहले सीरीज हुई थी इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल ऐसा ही है, इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया में केएल राहुल ने अच्छी कैप्टनसी की थी और उसमें जो है उन्होंने सीरीज भी विन की थी, तो इस मरतबा भी एक्सपेक्टेशन यही है कि जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी टीम जिस तरह अच्छा खेल रही है, तो मैं समझता हूँ ये सीरीज इजिली विन कर जाएंगे। मेरा ख्याल है इंडिया वर्ल्ड क्लास टीम है, जिस तरह वो खेलती है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ही हराया है, दुनिया की जितनी भी टीमें उन्होंने उन्हीं के मुल्क में ही हराया हुआ है, और कल का सीरीज आप देख लीजिए T20 उन्होंने वो टीम खिलाया जो बड़े प्लेयर्स इनके साथ ही नहीं, कोहली रोहित शर्मा वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स उन्होंने खिलाए ही नहीं, उसके बगैर उन्होंने वो प्लेयर्स खिलाए जैसे जो अक्सर पवेलियन में बैठे रहते हैं लेकिन वो भी इन्हें मैच जितवा रही है, तो इसका मतलब उनके पास टैलेंट है, उनके पास प्लेयर्स है, तो वो एक अच्छी टीम है, मैं समझता हूँ कि वो दुनिया में किसी भी मुल्क में किसी भी टीम को हरा सकता है। बंदे को मौका मिल रहा है और इस बार वो अपना बेस्ट से बेस्ट ही करना चाह रहा है, ठीक है, और इंशाल्लाह मैं यही कहूंगा जैसे वो सेंचुरीज बना रहे हैं अपनी, और इंशाल्लाह ये भी अपनी जल्द से जल्द सेंचुरीज पूरी करेंगे। बिल्कुल इनकी कप्तानी में लगता है कि ओडीआई इंडिया के नाम हो जाएगा। ऐसा ही है जरूर, क्योंकि देखे ना हर मैच पे ये विन कर रहे हैं, हर बंदा विन कर रहा है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज हुई है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया टूर हुआ है जो वो भी इन लोगों ने टॉप किया, ठीक है, और इस बार भी इंशाल्लाह यही टॉप, ओडीआई का मैच भी यही टॉप करेंगे, वर्ल्ड कप नहीं हुआ तो कोई इशू वाली बात नहीं, लेकिन उसके बाद तो पता चल ही गया उनके सामने दूध का दूध और पानी का पानी तो आ ही गया, ठीक है ना, अब ओडीआई का जो मैच हो रहा है इसमें भी पता चल जाएगा कि कौन बेस्ट और कौन लो है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया भारतीय टीम की जमकर तारीफ कर रही है, वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से भारतीय टीम ने T20 में अपना प्रदर्शन दिखाया, पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका के ऊपर डोमिनेट करती हुई नजर आई। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से लास्ट T20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव और भारतीय गेंदबाज कुलदीप यादव ने क्या प्रदर्शन दिखाया, उसी तरह से इस ODI मुकाबले में भारतीय टीम को प्रदर्शन दिखाना होगा। लेकिन आपको बता दें कि इस मैच में सूर्य कुमार यादव अवेलेबल नहीं है और रिंकू सिंह अवेलेबल हैं, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से भारतीय टीम ने मतलब पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका के ऊपर डोमिनेट करती हुई नजर आई, वहीं एक बार फिर से साउथ अफ्रीका की टीम के ऊपर डोमिनेट करना है। और आपको बता दें कि जिस तरह से भारतीय टीम ने ODI वर्ल्ड कप में 83 रनों पर ऑल आउट किया था साउथ अफ्रीका की टीम को, वैसे ही भारतीय टीम को प्रदर्शन दिखाना होगा साउथ अफ्रीका के घर जाकर। वहीं आपको ये बता दें कि जिस तरह से भारतीय टीम की प्रदर्शन चल रही है, पूरी तरीके से भारतीय टीम जीतती हुई नजर आ रही है, लेकिन आपको बता दें कि भारतीय टीम में काफी ज्यादा यंग टीम है और साउथ अफ्रीका की पूरी मैच्योर टीम है, लेकिन देखना होगा कि दोनों टीमें एक दूसरे को काफी ज्यादा फाइट देने के लिए तैयार है। वहीं हम बात करें दोनों टीमों के रिकॉर्ड के बारे में साउथ
अफ्रीका में तो साउथ अफ्रीका काफी ज्यादा डोमिनेट करती हुई नजर आई है भारतीय टीम पर, क्योंकि जिस तरह से भारतीय टीम पिछले बार साउथ अफ्रीका के दौरे पर गई थी उसमें ओडीआई मुकाबले में भारतीय टीम नहीं जीत पाई थी और 3-0 से हारी थी भारतीय टीम। लेकिन भारतीय टीम को इस बार बदला लेना होगा उस साउथ अफ्रीका टीम का। और आपको बता दें कि भारतीय टीम T20 में अच्छा प्रदर्शन तो कर लेती है साउथ अफ्रीका में, लेकिन वनडे और टेस्ट में तो मतलब प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं हो पाता है। लेकिन इस बार का भारतीय टीम का माइंडसेट दूसरा है, और जिस तरह से भारतीय टीम ने मतलब पिछले वर्ल्ड कप नहीं मतलब एशिया कप से जिस तरह से प्रदर्शन दिखा रही है पूरी तरीके से सभी टीमों के ऊपर डोमिनेट करती हुई नजर आई, लेकिन अनफॉर्चुनेट हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। लेकिन जिस तरह से भारतीय टीम खेल रही है पूरी तरीके से सभी टीमों के ऊपर डोमिनेट करती हुई नजर आई है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि आज का मुकाबला कौन जीतेगा, साउथ अफ्रीका या भारत? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।